अगर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग धम्म दीक्षा ले रहे हो तो ये संख्या बढ़ क्यों नहीं रही आपकी? यहाँ पे 10,000 लोगों ने धम्म दीक्षा ले ली, मेरे पास तमाम लोग फोन करते हैं कि साहब अपने न्यूज बीक चैनल पे खबर चला दीजिए कि यहाँ पे इतने लोगों ने धम्म दीक्षा ले ली। आपके जो जनसंख्या है उसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा? आपकी परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए जब आप इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ छोड़ के गए थे उसके बाद हम कहाँ पहुँचे? 40 करोड़ से ज़्यादा तो दलित बहुजनों की आबादी है, सिर्फ दलितों की आबादी है, वो पूरे देश में आप जोड़ेंगे, क्यों नहीं बौद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं, क्यों नहीं वो हमारे धर्म को अपना रहे हैं? हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया है उसके बाद भी 56 से अभी आप देखेंगे 2023 में भारत की पिछली जनगणना में बौद्धों की संख्या 80 लाख है, 1% आबादी भी नहीं है हमारे देश की, हमारे जो लोग हैं। और हर साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5,000 लोगों ने धम्म दीक्षा ले ली, यहाँ पे 10,000 लोगों ने धम्म दीक्षा ले ली, मेरे पास तमाम लोग फ़ोन करते हैं कि साहब अपने न्यूज़ बीक चैनल पे खबर चला दीजिए कि यहाँ पे इतने लोगों ने धम्म दीक्षा ले ली। फिर मेरे सवाल होते हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग धम्म दीक्षा ले रहे हो तो ये संख्या बढ़ क्यों नहीं रही आपकी? आपके जो जनसंख्या है उसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा? आपकी परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए जब आप इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो कई कार्यक्रमों में हो क्या रहा है कि हमारे जो लोग धम्म दीक्षा लेते हैं वो ज़्यादातर तो वही लोग पहुंच जाते हैं जो पहले से दीक्षा लिए होते हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम है। आप जैसे मैं आपको यहाँ पे 22 प्रतिज्ञा कराने लगूँ कि आपका धम्म दीक्षा होगी तो आप तो सारे पहले से ही बुद्धिस्ट हैं, आप तो पहले ही तथागत बुद्ध के रास्ते पे हैं। तो एक तो ये वजह है कि वही लोग बार बार शपथ ले रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि आपका नंबर बहुत कम हो रहा है, आपकी आबादी बहुत कम हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सही लोग जो हैं उन तक पहुँचे और उनको धम्म दीक्षा दिलाएं, उनको कार्यक्रम चलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो इसमें बुनियादी जो फ़र्क है कि जब आप धर्म परिवर्तन करते हैं, जब अपना लीगल तरीके से आप अपना धर्म बदलते हैं, तब आपको लीगल तरीके से आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एक समय देते हैं, वो आपको नोटिस देते हैं, आप वहाँ जाते हैं, एफिडेविट्स बनवाते हैं, जो किसी धर्म की धार्मिक क्रियाएँ होती हैं उसके प्रमाण देते हैं कि मैंने ये अनुष्ठान कर लिए हैं, और अपने धर्म बदलने का प्रमाण देने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से लीगल सर्टिफिकेट लेते हैं कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है। जब आपको लीगल तरीके से धर्म बदलने का सर्टिफिकेट मिलता है तो हम बहुत सारे लोग कार्यक्रमों में तो 22 प्रतिज्ञा करा ले रहे हैं, लेकिन उनको लीगल तरीके से जो लीगल तरीके हैं धर्म बदलने का वो नहीं करा पा रहे हैं। हमारे बहुत लोग उसी में मतलब वहाँ किसी बुद्धिस्ट सोसाइटी का सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, लेकिन वो लीगल तरीके से बदलते नहीं हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसलिए भी संख्या कम रह जाती है। तो हमारी ये इस बात पर भी चिंता होनी चाहिए कि कैसे हम अपने लोगों को लीगली कन्वर्ट करा सकें, लीगली उनको बता सकें कि कैसे वो कानूनी रूप से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर आपका आरक्षण भी नहीं जाता, ये समझने वाली बात है कि बौद्ध धर्म को आप जब स्वीकार करते हैं तो SC ST का जो रिजर्वेशन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया है वो भी बरकरार रहता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आती, वो ख़त्म नहीं होता। आप अगर नौकरी पे हैं रिजर्वेशन की वजह से और तब आपने बौद्ध धर्म अपना लिया तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप कॉलेज में एडमिट हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 1990 में राष्ट्रपति के गजट नोटिफिकेशन के जरिए बौद्धों को भी शामिल किया गया, 1956 में जो है सिखों को भी शामिल किया गया। तो सिख धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे जो धर्म हैं जिनको अपनाने पे SC ST का रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होता, वो बरकरार रहता है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हमें बौद्ध धर्म की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि सिख धर्म में भी हम देखते हैं कि उस सिख धर्म में भी तमाम तरीके की जातिवादी कुरीतियाँ शामिल हो गई हैं। पंजाब में अभी मोहाली में मेरा एक कार्यक्रम था जयंती का, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उनको गुरुद्वारों में नहीं जाने दिया जाता, उनको वहाँ पे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारे लोगों ने अलग गुरु घर बना लिए, अपने अलग गुरुद्वारे बना लिए हैं। और जो किसान आंदोलन में हमारे व्यक्ति के साथ हुआ कि उनको गुरु ग्रंथ साहिब का हाथ लगा लिया था, उनको क्या हुआ और गुरु साहब क्या बोल के गए हैं, संत रविदास महाराज और संत कबीर की वाणी को अपने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया और बोल के गए हैं कि सब लोग एक नूर से पैदा हुए हैं, एक नूर ते सब जग उपजा है ना, कुदरत दे सब बंदे, कौन भले कौन मंदे। हमारे गुरु साहब तो गुरु नानक साहब ये लिख के गए, लेकिन उन पर रास्ते पे चलने वाले लोग भी जातिवादी चीज़ों में पड़ गए हैं, तो हमें वहाँ से भी बचना चाहिए, हमें अपने तथागत बुद्ध के रास्ते पर ही आना चाहिए, क्योंकि वही ऐसा धर्म है, वही इकलौता धर्म है जो हमें लाइटन करता है,
जो हमें कामयाब बनाता है। और भारत में जिन लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया है अभी तक, आप उनका परसेंटेज देखेंगे तो शिक्षा में नेशनल एवरेज से भी हमारे ज़्यादा हैं वो। एजुकेशन के मामले में नेशनल एवरेज से ज़्यादा उनका परसेंटेज है शिक्षा में। उनकी ज़िंदगी में सुधार आया है, उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया है, उनकी महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी मिली है, वो ज़्यादा शहरों में आकर बसे हैं, वो ज़्यादा रोज़गार हासिल कर रहे हैं। तो तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलने का मतलब है आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आते हैं, इसलिए हमें तथागत बुद्ध के रास्ते की तरफ आना चाहिए और उसको मुकम्मल बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है कि हम सब अपने लोगों को समझाएँ। और ये भी बताएं कि जब आप बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो लीगल तरीकों को अपनाएं, और जब जनगणना आएगी आपके पास में रजिस्टर लेके जनगणना करने आएंगे तो आप अपना धर्म जो है वो आप बुद्धिस्ट धर्म लिखवाएंगे। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जनगणना के आंकड़े में आप बुद्धिस्ट धर्म पर टिक लगाएं। जाति भले ही आपके कास्ट सर्टिफिकेट के मुताबिक आपकी जो जाति है वो मेंटेन रहे, लेकिन धर्म आपका बुद्धिस्ट होना चाहिए, आपको लीगल तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए और संख्या को बढ़ाना चाहिए। कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ छोड़ के गए थे उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, बड़ा मुश्किल है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारी जो दलित बहुजनों की आबादी है 40 करोड़ से ज़्यादा तो दलित बहुजनों की आबादी है, सिर्फ दलितों की आबादी है वो पूरे देश में आप जोड़ेंगे, क्यों नहीं बौद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं, क्यों नहीं वो हमारे धर्म को अपना रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बना दे कि मैंने 10,000 लोगों को धर्म दीक्षा दिला दी, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको जनगणना में भी शामिल करना पड़ेगा, लीगल तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा और बताइए कि क्यों ज़रूरी है उनके लिए बौद्ध धर्म अपनाना। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस बात का इशारा करके गए हैं वो इशारा समझना होगा, और वही आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान भारत का बनाया है उसमें भी आप तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को देखेंगे। तथागत बुद्ध की तमाम शिक्षाओं को न्याय, समता, मैत्री, बंधुता तमाम आर्टिकल्स में आप देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी के सिद्धांत पर जाके सबको बराबरी का दर्जा दिया है। जिस वैज्ञानिक चेतना की बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बता रहे हैं अपने आर्टिकल में तथागत बुद्ध की, वही आपको जो भारतीय संविधान है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उनमें भी मिलेगा, जो ये कहते हैं कि हमें हमारे देश में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाना है, पाखंड को कम करना है। तो ये तथागत बुद्ध की शिक्षाएँ हैं जो बाबा साहब ने संविधान में शामिल की हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें याद करें और कुछ बदलाव की तरफ जाएं। इस तरह के कार्यक्रम होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये जो बौद्ध विहार हैं, जो गुरु घर हमारे होते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन होते हैं, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं हमारे लिए, ये हमारे पावर सेंटर हैं, ये हमारे कल्चरल सेंटर है जहाँ हम बैठ के अपने पुरखों को याद करते हैं, उनकी विरासत से जुड़ते हैं और उन चुनौतियों पर भी विचार करते हैं जो हमारा समाज आज के दिन इस देश में फेस कर रहा है, जिन चुनौतियों से गुजर रहा है। तो ये इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी है बल्कि विचारों से बनी हुई हैं, ये हमारे बहुजन समाज के प्रेरणा केंद्र हैं, संपत्ति हैं। इसलिए यहाँ खड़ा होना, यहाँ आपके साथ ये अपनी बातें शेयर करना और आपके साथ तथागत बुद्ध को याद करना, अपने पुरखों को याद करना मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं अपनी भूमिका निभाता रहूँगा मीडिया में, जो मेरी भूमिका है अम्बेडकरवादी पत्रकार के तौर पे, कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस कारवां को आगे बढ़ा रहे थे, हमारे पुरखे जिस सवाल उठाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें मैं भी अपनी भूमिका निभा सकूं, अपने लोगों की आवाज़ में थोड़ा सा ही सही एक जेंटल पुश दे सकूं, मैं अपनी भूमिका निभाता रहूँगा। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप भी अपनी भूमिका निभाएं, हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनें, टांग खींचने से ज़्यादा एक दूसरे को हिम्मत दें। बहुत ज़रूरी है कि जाग जाएं, नींद को हटा दें और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, प्रबुद्ध भारत का, संत रविदास के बेगमपुरा का जो सपना है उसको हम सच करें, अपनी भूमिका निभाएँ। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB0002 35, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।